जी हाँ दोस्तों, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला सामने निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि BSc नियमित सेकेंड ईयर यानी कि BSc रेगुलर सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केवल और केवल BSc सेकेंड ईयर रेगुलर स्टूडेंट के लिए यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उत्तर पुस्तिका जमा होनी थी उसकी जो तारीख है उनमें कुछ संशोधन कर दिया गया है। क्या संशोधन किया गया है पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, BSc सेकेंड ईयर के उत्तर पुस्तिका जमा करने की यहाँ पर क्या जो कि सेट जो कि चेंजिंग की गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BSc सेकेंड ईयर सभी विषय। तो BSc सेकेंड ईयर के आप किसी भी विषय के स्टूडेंट हो, चाहे मैथ के हों, चाहे बायोलॉजी ग्रुप के हों, किसी भी ग्रुप के हों, स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित के, तो उनकी जो कॉपी सबमिट करने की, आंसर शीट कॉलेज में सबमिट करने की जो अंतिम तिथि थी उसमें चेंजिंग कर दिया गया है। अब दोस्तों, 2 दिन आप अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। कौन से 2 दिन हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 1 23 जुलाई और 1 27 जुलाई, 2 दिन अब आप अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं BSc सेकेंड ईयर रेगुलर के स्टूडेंट। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, जिससे सभी को इसके बारे में नॉलेज मिल सकेगी कि 23 जुलाई और 27 जुलाई अब 2 दिन आप अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट कर पाएंगे रेगुलर के स्टूडेंट। यहाँ पर 13 जुलाई को अभी यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वीडियो को शेयर कर देना, इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, आप तक के लिए बाय।